खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले भर के कर्मचारियों का प्रथम परीक्षण विभिन्न ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए हजारों कर्मचारी। जहां एक तरफ चुनाव कर्मचारी चुनाव की घोषणा की, वैसे ही विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज लोकसभा चुनाव को मद्देनजर जिले में प्रथम कर्मचारियों का प्रशिक्षण जिले के विभिन्न स्थानों पर रखा गया था, जहाँ पर जिले के विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करने आए थे। वही जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी निधि निवेदिता ने बताया कि आज से सभी पोलिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग शुरू की गई है। चुनाव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर पोलिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ईवीएम से लेकर हर प्रकार का प्रशिक्षण की जानकारी पोलिंग पार्टी को दी जाएगी। वहीं इस बार प्रशिक्षण में खास बात यह है कि मतदान से संबंधित एक लैब का निर्माण किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को कुछ समझ नहीं आता है तो वह इस लैब में आकर अपनी दिक्कत को दूर कर सकता है। वहीं लैब बिल्कुल मतदान केंद्र की तरह बनाई जाएगी। पार्टीज को पोलिंग के लिए रवाना किया जाएगा, उस दिन भी गतिविधियां बताई जाएं। यह एक्सपेरिमेंट पहली बार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को मतदान करवाने की समझ ज्यादा से ज्यादा दी जा सके। वहीं हम मास्टर ट्रेनर से इस बार दो दो मिनट के वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षु को दिखाएंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। वहीं प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया के दौरान होने वाली छोटी से छोटी गलती से बचाने के लिए विभिन्न बिंदुओं के द्वारा कर्मचारियों को समझाइश दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें प्रथम चरण सामान्य चरण रहेगा और इसके बाद कर्मचारियों का टेस्ट लिया जाएगा। वहीं जिन बिंदुओं पर कमी पाई जाएगी उन बिंदुओं को दूसरे और तीसरे चरण में दूर किया जाएगा। चुनाव जो है वो मतदान 12 मई को होने वाला है और हमारी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया 16 से ही चालू हो जाएगी। तो इस संबंध में जो हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं, उन सबका जो ट्रेनिंग, उन सबका प्रशिक्षण का एक कैलेंडर जो है वो तैयार कर लिया गया है और आज से इनका पहला सेट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो रहा है। सभी पोलिंग पार्टीज को उनका जो ड्यूटी ऑर्डर निकले उसके हिसाब से इन सभी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं इसके संबंध में आज से प्रशिक्षण आरंभ कर लिया गया है। इस बार हमने जो दो प्रशिक्षण पे विशेष नवाचार किए हैं, एक तो प्रशिक्षण केंद्रों पे हम एक लैब बना रहे हैं जहाँ पर कि ये जो भी प्रशिक्षु हैं उनको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो वहाँ पर एक तरीके से घूम करके और देख सकेंगे कि क्या क्या सामग्रियाँ हैं, एक आइडियल जो मतदान केंद्र होता है वो किस तरीके का होता है और वहाँ पर उनको जिस दिन जाना है उस दिन किस तरीके की गतिविधियाँ करनी है। तो ये एक नया हमने इस बार प्रयास किया है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ हो सके। और दूसरा जो प्रशिक्षण में हमने प्रयास किया है कि हम जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनसे 2-2 मिनट्स के हर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनवा करके शेयर करेंगे। साथ ही ये भी देखने में आया है कि जो 4-5 ऐसे बिंदु हैं जैसे कि जो ईवीएम है उस पर एक क्लियर क्लोज रिजल्ट क्लियर जो है वो इसी सीक्वेंस में नहीं दबाया, या ईवीएम को अगर बहुत वीवीपैट को यदि बहुत तेज़ रोशनी या तेज़ धूप में रखा गया, या इस तरीके के कुछ 4-5 बिंदु हैं जिससे संबंधित मॉक पोल और सीलिंग वगैरह संबंधित जो लोग बार बार गलतियाँ करते हैं उस पर हमने कुछ नियॉन स्टिकर्स छपवाए हैं जो कि इनके लिए सुलभ उपयोग के लिए उनके पास हमेशा उपलब्ध होंगे। साथ ही इनको ये किस तरीके से वोट दे पाएंगे उसके संबंध में भी इनको विशेष रूप से समझाया जाएगा। हमने ये प्रयास किया है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो 3 सेट में होगी। फर्स्ट सेट ऑफ ट्रेनिंग में इनको बताया जाएगा बेसिक चीज़ें, सेकेंड सेट में इनसे एक फर्स्ट सेट में एक फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा और एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो सेकेंड सेट होगा उसमें इन्हीं जो बिंदु रहेंगे उन पर उनको रिफ्रेशर दिया जाएगा और फिर एक फाइनल रिफ्रेशर ट्रेनिंग के मतदान के कुछ समय पूर्व जो है वो दिया जाएगा। पिछली बार बहुत सी जगह पर मशीनें खराब होने की शिकायत भी आई थी, इस बारे में भी क्या इस बार
ट्रेनिंग में समझाया जाएगा? देखिए, मशीनें जो है वो खराब होने की शिकायत हर जगह से आती है, हर जिले में आती है, हमारे यहाँ भी आई होगी, तो इसीलिए रिजर्व मशीनों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मशीनें जो है इनकी किसी गलती की वजह से खराब ना हो, इसके विषय में विशेष रूप से प्रयास जो है इनको प्रशिक्षण में बताया। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से कैमरामैन लखन गुर्जर के साथ संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।